पुलिस हुकाम की जानिब से भी अब तक कोशिशें की जाती रहीं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ चलाती जा रही हैं। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 24 घंटों में कैसे हुई हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्टली मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे या फिर मिलिटेंट्स थे या किसी न किसी तरीके से मुआवनत कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों पर न सिर्फ इल्ज़ामात लगे बल्कि उनके शवाहिद भी पुलिस ने या जो एविडेंसेस थे वो कंप्लीट किए और इस कार्रवाई को पुलिस की जानिब से जारी रखा गया। गांधरबल के अंदर पुलिस ने देर शाम एक कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान 5 मिलिटेंटों की जायदाद कुर्क की गई और ये कहा जाता है पुलिस बयान के मुताबिक ये तमाम के तमाम 5 मिलिटेंट जो हैं ये पाकिस्तान में मुकीम है मौजूदा वक्त में। गांधरबल पुलिस जो काफ़ी वक्त से इस तरह के कामों में लगी थी, कंगन के अंदर भी पिछले दिनों कार्रवाइयाँ हुई और कहा जा रहा है कि CRPC की सेक्शन 82 और गवर्नमेंट ऑर्डर जीरे नंबर 12/GBL/DM जिसके तहत पुलिस ने 5 इश्तिहारी मुजरिमों की जो गैर मनकूला जायदाद थी उसको जब्त कर लिया है और इन 5 इश्तिहारी मुजरिम हथियारों की तरबियत हासिल करने की खातिर पाकिस्तान में चले गए, वहाँ ये मुकीम है। FIR नंबर 120/2009 जो मुतलका दफात हैं 2-3 एक्ट CRPC की 83 सेक्शन के तहत और कहा जाता है कि ये तमाम के तमाम पुलिस को मतलूब थे और इन 5 लोगों के नाम जो बताए गए हैं इनका कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीनें थी वो गांधरबल के अंदर थी और इन 5 लोगों पर अब तक कार्रवाई चलती रही। मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ नसीम, इसके अलावा चौंटी वाली वार का ये रहने वाला है और दूसरा नाम बशीर अहमद सनफ अब्दुल करीम, ये भी चोटवाली वार का है वटलार का, और तीसरा नाम जो इसी इलाके का है वो है मोहम्मद रफीक, इसी एरिया से मोहम्मद यूनस मोहम्मद सखी सनफ मोहम्मद यूनस शाह, और 5वां नाम इसी इलाके से हिलाल अहमद कस्बा लार से ये ताल्लुक़ रखता है। और हिलाल अहमद समेत ये जो 5 लोग हैं इन पर इल्ज़ाम है कि इन तमाम लोगों के अलग अलग जगहों पर जो खसरा नंबर है वो भी मेंशन किए गए हैं, डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दी गई हैं। और 2 तरह के लोगों के खिलाफ, एक तो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व उनके मुआवनीन या फिर दूसरी फहरिस्त जो है तैयार की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात मुखालिफ कैंपेन चली है जम्मू के अंदर भी एक फहरिस्त तैयार हो रही है कि जो इस वक्त जेलों के अंदर बंद मंशियात फरोश हैं उनकी कितनी ज़मीन कहां पर है, उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई मज़ीद तेज़ की जाएगी, सिर्फ फहरिस्त तैयार करने के बाद एक्शन ज़मीन पर होगा। तो ये अलग अलग जगहों के अंदर होने वाली कार्रवाइयों का एक हिस्सा, गांधरबल के अंदर भी 5 मज़ीद लोगों की जो पाकिस्तान में हैं, पुलिस बयान के मुताबिक ज़मीनें यहाँ पर थी और हथियारों की तरबियत फराहम करने के लिए हासिल करने के लिए चले गए और उसके बाद बदमनी का एक तरह से इनको सबब भी ठहराया जा रहा है जिसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर के बाद सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल ज़िले से जहाँ पर कार्रवाई हुई बोर्ड चस्पा कर दिए गए, जो जायदाद थी उसको कुर्क करने की तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। पुलिस हुकाम की इस खबर के बाद सीधा